ये लड़का क्या कर रहा है? चलो इसे बड़ा करके देखें। अरे इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं। वो तो पत्ते की नाव चला रहा है। वो उदास लग रहा है। इसी तरह बहुत जगह से होते हुए पानी जमा होकर फिल्टर होता है और फिर हमारे नल में आता है और इसी तरह हमारे घरों तक पहुंचता है। अच्छा ऐसे होता है। कितना कुछ सीखने को मिला ना। ठीक है, मैं अलग अलग जगह का पानी लेने जा रहा हूँ। डोरेमोन, मैं जल्दी लौटता हूँ। ऐसी चीजों के लिए इसको नींद नहीं आती और खूब सारी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहता है। देखो कितना सारा पानी लाया हूँ। पता है ये कहाँ का है? कहाँ का है नोबिता? पार्क के तालाब का। यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। रुक जाओ, यहाँ बेंच पर कोई है। ये अंकल, क्या तुम इन्हें जानते हो? वो पार्क में सो रहे थे, वही जहाँ मैं सोता हूँ डोरेमोन। ये कहाँ का है? ये पानी स्कूल के पास के नदी का है। देखकर लगता है मछली नहीं मिली। ये वाला पानी कहाँ का है? कोरे वा सुगुई यू। दकना दकना, शिज़ुका चंची ना ओहुरा नो मिज़। वाकोत्ता यों, स्टेरे बा इन दरो। अब लाई ही हो तो देख लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ नोबिता? क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं शिज़ुका। वैसे तुम्हें क्या काम था? देखो ये मुझे नदी से मिली है। पत्ते की नाव? ये चिट्ठी भी इसके साथ ही थी। इचिरो भैया प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। खेत में काम करने की वजह से डैड की तबीयत खराब हो गई है और वो बीमार है। अरे ये लड़का तो परेशानी में है। हमें चिट्ठी उसके भाई को देनी होगी। लेकिन सिर्फ उसका नाम लिखा है, पता नहीं। उसके बारे में जानने के लिए काफी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, शायद ये लड़का। क्या वो पानी? क्या हुआ? देखो इसके हाथ में वही है। अरे वो चिट्ठी, उस पर तो ऐसा ही कुछ लिखा है। देखो सेम। मुझे पता ही था। इसका मतलब ये चिट्ठी इसी लड़के ने लिखी थी। चलो अब इसके बड़े भाई को ढूंढते हैं। अगर इसका भाई है तो हो सकता है दोनों के चेहरे भी आपस में मिलते हो। इसके जैसा दिखने वाला चेहरा बनाओ, फिर हमें शहर के सभी लोगों को उनमें से ढूंढना होगा। ये चेहरा, क्या तुम इन्हें जानते हो? और कब आने? मुझे लगता है वो अभी भी वही होंगे। अंकल, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर जाओ। दरअसल बात ये है कि आपके डैड बहुत परेशानी में है। मेरे डैड? हाँ, तुम मेरे बारे में जानते हैं क्या हो? ये चिट्ठी आपके छोटे भाई की तरफ से आई है प्यारे इचिरो भैया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्या आपका छोटा भाई ऐसा दिखता है? जीरो, सबसे पहले आप इस चिट्ठी को पढ़िए। नहीं, मैं अपने डैड से जिद करके यहाँ आया था, लेकिन यहाँ मुझे कोई नौकरी या काम नहीं मिला। अब मैं वापस कैसे जाऊँ? उनसे क्या कहूँ? चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस चले जाइए। एनीवे डोर, आपका घर कहाँ पर है? आप कहाँ रहते हो? मुझे आपका एड्रेस नहीं पता है भैया, इसीलिए मैं बोट से चिट्ठी भेज रहा हूँ। अगर ये पानी शहर तक बहता हो तो शायद कोई अच्छा इंसान चिट्ठी को उठा ले और आप तक इसे पहुँचा दे। डैड को हमेशा आपकी बहुत फिक्र रहती थी भैया, इसलिए जल्दी हमारे पास वापस आ जाइए। भैया जीरो, भैया जीरो, वो आपको देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
बहुत अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ। शुक्रिया डोरेमोन। नो पिता, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तो तुम क्या देख रहे थे? बोलो। वो